क्लच वही 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 प्रेस करो इसको, लगाओ ताकत, सीट एडजस्ट करना दबाओ, मतलब ऐसे पैर लंबा हो गया पूरा, समझ लेने का सीट आगे चाहिए आपको, आ जा जा क्लच दबा, पूरा हो गया दम में फुल ब्रेक एक्सेट्रा क्लच, अभी गियर पे आता हूँ, क्लच नहीं छोड़ना, क्लच को पकड़ के रखो जोर से, ये क्या है गियर रिवर्स, फर्स्ट गियर लेफ्ट आ गया, सेकंड लेफ्ट पीछे, इतना फास्ट नहीं स्लोली फर्स्ट, ये ऐसा नजबिस नहीं दिखना मांगता हाथ के, तो ताकत लगाएंगे ना गियर अटक जाएगा कहीं, समझ गए, लेफ्ट आगे ओके, लेफ्ट में यहाँ पे प्रेशर रखना, एक दो समझ गए, न्यूट्रल धीरे से आगे, न्यूट्रल नहीं हुआ आज छोड़ो आपको पता चल जाएगा, न्यूट्रल ऐसा बीच में आना चाहिए, ये थोड़ा सा आगे था ना मतलब न्यूट्रल नहीं हुआ, इससे आपको गियर गिरेगा ही नहीं, ये देखो अटक जाता है ऐसा बीच में, थर्ड गियर सीधा आगे न्यूट्रल पीछे चौथा न्यूट्रल राइट खींचो फुल, न्यूट्रल नहीं हुआ देखो कैसे बताया था, थोड़ा पीछे खींचो उसको, राइट में खींचो अभी राइट फुल राइट जा रहा है नहीं जा रहा है, हाँ छोड़ो अभी दे इतना ज्यादा ऐसा लो फर्स्ट न्यूट्रल ओके फर्स्ट फटाफट लेना सेकंड ओके ऐसा होगा ही नहीं गलत तरीके से आप करेंगे तो होगा नहीं, वो न्यूट्रल करो पहले फर्स्ट लेफ्ट में प्रेस करके एक दो नहीं हो रहा, हाँ हो गया वो न्यूट्रल नहीं हुआ, हाँ लो फर्स्ट थर्ड गियर ले लिया सीधा एक मिनट न्यूट्रल लेफ्ट आगे ओके एक दो हो गया न्यूट्रल थर्ड फोर्थ राइट किधर नहीं खींचना नहीं नहीं अच्छा पीछे न्यूट्रल फर्स्ट सेकंड ओके थर्ड ऐसा ऐसा उधर ढकल के नहीं करना अच्छा इधर ही प्रेस करके थोड़ा आगे ढकलना बस थर्ड फोर्थ ओके अभी आगे जाने कौन सा गियर चाहिए फर्स्ट आगे जाने फर्स्ट न्यूट्रल करो हो गया कांच ऊपर कर लो उधर की क्या है कौन सा गियर दोनों बटन एक साथ ऊपर खींचना है जाएगा ही नहीं ऊपर क्यों नहीं जा रहा ऊपर चालू नहीं है गाड़ी एक बार चाबी घुमाओ अर्थिंग चालू करो गाड़ी किसी किस तरफ वो आगे आगे की तरफ ढक लो उधर उधर आगे की तरफ अपोजिट साइड अपने अपोजिट बस हो गया अभी दोनों बटन ऊपर खींचो रहने दो चालू करो गाड़ी रहने दो घुमाओ चाबी एक बार फर्स्ट गियर क्लच पूरा दबाना है आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है हाँ क्लच दबाए विंडो दोनों बटन खींचो ऊपर खींचना नीचे नहीं प्रेस करना ऊपर खींचेंगे तो ऊपर आएगा ओके समझ गए अभी फर्स्ट गियर लो कैसे लेंगे क्लच फुल फुल न्यूट्रल अभी न्यूट्रल जब भी आप बेल्ट लगाएंगे ना सीट बेल्ट तब भी आपका ये जो होते ना एयरबैग्स तभी खोलेंगे नहीं तो कैसे खोलेंगे उन्होंने कंपनी वाले ने ऐसा फिटेड दिया आपको कि जब भी आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप गाड़ी में ही है गाड़ी में कैसे पता चलेगा कि आपने सीट बेल्ट लगाया तभी गाड़ी का सेंसर वर्क करेगा नहीं तो आपके खड़े गाड़ी को कोई ठोक देगा तो क्या फायदा है ना कैसे लगाना है इसको अंदर डाल दो इधर से हाँ जोर से हो गया चलो क्लच जोर से प्रेस करो वो लाइट कौन सी आपके सामने स्टीयरिंग ये है ना हैंड ब्रेक है हैंड ब्रेक को कुछ करना हैंड ब्रेक प्रेस करो कैसे करेंगे बटन प्रेस करो हो गया नीचे कर देना गया लाइट हो गाड़ी चालू हो गई स्टार्ट हो गई अभी जाना एक भी लाइट नहीं है सामने टोटल सेंसर ओके
अच्छा, अगर कुछ फॉल्ट होगा तो ब्लिंक करेंगे। ओके ओके, फर्स्ट गियर लिया, फर्स्ट गियर ही है तब से। अच्छा ओके, चलो अभी धीरे धीरे क्लच छोड़ना, एकदम धीरे छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ते रहो, जाते रहिए आगे धीरे धीरे। गाड़ी घुमा राइट में हल्का, बस फुल क्लच, फुल क्लच दबाना, ब्रेक धीरे से, ताकत लगा दी है ना, ऐसी ताकत नहीं लगाना उसको। अभी फिर से क्लच, चलो धीरे से ना, छोड़ो धीरे से। ओके, जा रही है गाड़ी आगे, क्यों जा रही है? क्लच छोड़ा, क्लच छोड़े ना हमने, फुल क्लच, फिर से फुल क्लच, ब्रेक। अरे स्लोली इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप ऐसा ऐसा अपना टो हवा में रखा है और ऐसा प्रेस कर रहे हैं उसको, स्ट्रेट होना चाहिए, नहीं नीचे रखना है उसको ऐसा, ये बेस पे ऐसा रखो, तो ऐसा ब्रेक मारो, ऐसा ऐसे ऐसे आगे, यानी ना ना आगे ऐसे, हाँ ऐसे, अच्छा तभी आपको जमीन का भी सपोर्ट मिलेगा, फिर इजीली ब्रेक लगेगा, जितना चाहिए उतना ही लगेगा। चलो फिर से आगे एक बार, फिर ट्राई करते हैं, धीरे से क्लच छोड़ो, धीरे से एकदम, और थोड़ा और ब्रेक नहीं दबाना, स्टीयरिंग लूज, फुल क्लच, फुल क्लच दबाओ, क्लच दबाओ फुल, अभी ब्रेक लो, पूरा पैर रखो ब्रेक पे, छुट गया ना ब्रेक, ताकत लगा रहे आप, वो ताकत मत लगाओ, जिस हिसाब से हम लोग स्टार्टिंग में आपके पावर याद रखो कि ये इतनी पावर लगी थी, वही पावर लास्ट तक रखनी आपको, उतनी ही धीरे 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 बस। ओके स्टार्ट करो, फिर से आगे चलो, थोड़ा एक्सीलेटर लो, आवाज आ रही है इतना थोड़ा हो गया तो आगे लोग थोड़ा भी नहीं बचेंगे अपने सामने वाले। क्लच दबाओ फुल, फुल क्लच, ऐसा आधा नहीं दबा, और ब्रेक ले लो, ब्रेक ऊपर का आपने ऐसा रखा है ऊपर क्लच वाला, उसको नीचे टिका हुआ, ऐसा जमीन का सपोर्ट लो, नहीं तो आपका दो घंटे पैर दर्द करने लग जाएंगे। चलो धीरे से क्लच छोड़ो, ऐसा क्लच छोड़ना है, देखो ऐसा ऐसा पीछे मत ढक लो, ऐसा ऊपर उठाओ, हाँ शाबाश, ऐसे थोड़ा एक्सीलेटर दे सकते हो, एकदम स्लो, एकदम स्लो, ऐसे क्लच पूरा छूट गया ना अभी, हाँ चलेगा, एक बार निकल गए ना हम लोग, छोटा तो भी कोई काम नहीं, सिर्फ गाड़ी से आवाज नहीं आनी चाहिए अपनी, क्लच दबाओ, सीधा करो, धीरे से स्टीयरिंग को मार लेते, फुल क्लच, फुल उसको ऐसे मत टाइट मत पकड़ो, मत घुमाओ, फुल क्लच दबा के रखो, पूरा नहीं दबा, जब तक दबेगा नहीं हमें ब्रेक लेने आई आसानी नहीं होगी, ब्रेक ले लो, धीरे धीरे लो, लो और लो, शाबाश, फिर से थोड़ा आगे चलो, पहले ब्रेक छोड़ देना है, क्लच नहीं छोड़ते पहले, चलो धीरे से आगे छोड़ो, हड्डी लगा रखो,